अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडिंग आइडियाज़ में। आप क्या कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और ईद की तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि ईद तो बहुत ही ज़्यादा करीब है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग ईद की तैयारी ना करें। तो ईद की तैयारी में तो सबसे पहले ड्रेसिंग, मेहंदी, चूड़ियाँ, ये सारा कुछ होता है। तो ड्रेसिंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ईद की तैयारी में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से ड्रेसेस लेकर आई हूँ। ये तमाम ड्रेसेस आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आपने वीडियो को, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपने स्किप नहीं करना, लेकिन आप फिर भी स्किप करते हैं और उसे कभी भी पूरा नहीं देखते, तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप वीडियो को देखते हैं, उसे क्लिक कर लेते हैं, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखा करें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से आइडियाज़ होते हैं आपकी स्टिचिंग को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए और ड्रेसिंग के स्टिचिंग के लिए। तो जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और आई थिंक कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो गर्मी में इतनी ज़्यादा हैवी ड्रेसेस पहने, और मोस्टली जो लोग हैं वो लॉन के और कैजुअल ड्रेसेस ही पहनेंगे। आप लॉन के ड्रेसेस को भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी स्टाइलिश सी लुक दे सकते हैं अगर आप इन तमाम डिज़ाइंस को फॉलो करें और इस तरह की स्टिचिंग अपने ड्रेसेस की करवाएँ। खूबसूरत से कलर्स चूज़ करें, डिफरेंट कलर कंट्रास्ट लें और उनके साथ डिफरेंट कलर कंट्रास्ट के दुपट्टे पेयर अप करें। तो आई थिंक ये तमाम जो फॉर्मल ड्रेसेस होंगे और जो आप लॉन के ड्रेसेस, जिन्हें आप समझते हैं कि जो कैजुअल ड्रेसेस हैं, तो ये आपके तमाम कैजुअल ड्रेसेस ही इतनी खूबसूरत से लुक आपको देंगे कि आपकी पर्सनैलिटी मज़ीद पुरकशिश से लगेगी। आप इस तरह लॉन्ग पीछे से जो है वो शर्ट की बैक लॉन्ग रख सकते हैं, इसके अलावा फ्रंट से शॉर्ट। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ड्रेसेस जो हैं वो चुनरी के भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, इस तरह सिंधी एम्ब्रॉयडरी में, जो कि मैंने आपको पीछे अभी एक ड्रेस दिखाया है, शलवार के बॉटम में एम्ब्रॉयड्री है। हैंड एम्ब्रॉयड्री भी आप ले सकते हैं, सिंधी एम्ब्रॉयड्री, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन ये तमाम ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, चाहे आप दुपट्टों पे इस तरह की एम्ब्रॉयड्री लें, या फिर आप शर्ट के नेकलाइन पे, या फिर ट्राउज़र या शलवार, जो भी आप कैरी करना चाहते हैं, जो जिसमें आप अपने आप को ईजी फील करते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आजकल बहुत ही ज़्यादा इन हैं, खूबसूरत भी लगती हैं। और क्योंकि जो आपके लॉन के फैब्रिक्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से ब्राइट से कलर होते हैं और डिफरेंट फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, तो वो ये तमाम ड्रेसेस मज़ीद खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, सिंपल सा ड्रेस है और चुनरी का साथ दुपट्टा है। आप इस चुनरी के दुपट्टे को टसल्स लगा सकते हैं, इस पर आप डोरी लगा सकते हैं डिफरेंट कलर की दुपट्टे के बॉर्डर्स पे। तो मज़ीद ये तमाम जो चीज़ें हैं ड्रेसेस को, जो सिंपल से आपके ड्रेसेस होते हैं, उनको खूबसूरत बना देती हैं। ये देखें, अगर आप मेन बात करें इस ड्रेस की, अगर बिल्कुल ये सिंपल सा स्टिच किया होता तो ये इतना खूबसूरत ना लगता। सारी जो इसकी दामन पे और साइड्स पे जो डोरी लगाई गई है, और इसको समोसा लेस दामन पे लगाई है, जिसकी वजह से गोल्डन कलर और ब्लैक बहुत ही खूबसूरत सा एक इसका कॉम्बिनेशन बना है। बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस दिखाई दे रहा है। आई होप कि आप इस तरह के तमाम आइडियाज़ से काफ़ी हेल्प लेंगे और अपने ड्रेसेस को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ये तमाम आइडियाज़ आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर आपका ड्रेस सिंपल सा है, आपने बिल्कुल प्लेन ड्रेस लिया है और आप उस पर डोरी लगा लें, आप उस पर डिफरेंट टसल्स लगा लें, बटन्स लगा लें, और इसके साथ साथ आप ऑर्गेंजा का पैच चाहे तो स्लीव्स पे लगा लें, इसके अलावा आप ट्राउज़र के बॉटम में भी लगा सकते हैं। जब आप उसके साथ हैवी दुपट्टा या आप नेक का, उसके बाद ऑर्गेंजा का, या फिर आप बनारसी दुपट्टा कैरी करेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये तमाम दुपट्टे भी आजकल बहुत ही ज़्यादा इन हैं, और इधर आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के आइडियाज़ नज़र आएंगे, जिसमें ड्रेस तो सिंपल से हैं लेकिन उनके दुपट्टे और उनके कलर कंट्रास्ट, उनकी डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी है, जिसकी वजह से वो तमाम ड्रेसेस जो सिंपल से हैं, उनकी डिज़ाइनिंग और उनके दुपट्टों की स्टाइलिंग और ड्रेसेस की जो स्टिचिंग की गई है,
वो उन ड्रेसेस को मज़ीद खूबसूरत बना रही है। तो आई थिंक ये तमाम आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं, और कोई भी कैजुअल ड्रेसेस जो आप लेना चाहते हैं और जो भी आपके पास हैं डिफरेंट कलर्स में, उन्हें मज़ीद खूबसूरत बना देगी। इसके अलावा आपको कलर्स की सिलेक्शन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है, और जब आप ये तमाम कलर्स देखते हैं तो आई थिंक कि नॉर्मल आपको इतना आइडिया नहीं होगा कि आप कौन सा कलर चूज़ करें, लेकिन जब आप इनके कलर कंट्रास्ट और कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आप ज़रूर इस कदर खूबसूरत कलर हैं, आप ज़रूर इस तरह के ड्रेसेस ख़रीदना चाहेंगे। और लाइक मैं अपनी बात करती हूँ कि जब मैं इस तरह के कोई भी प्रिंट्स देखूँ या कोई ऐसा ड्रेस जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मार्केट में उस तरह का ड्रेस चलें। अगर वो सेम एज इट इज़ हमें नहीं मिलता तो थोड़ा सा उससे रिजेंबल करता हुआ मैं ड्रेस ज़रूर खरीदती हूँ जो मुझे पसंद आए। तो आई होप कि आप में से बहुत ज़्यादा मेंबर्स, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से ड्रेसेस हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करेंगे, चाहे आप वो कलर आपको पसंद आ जाए या उसका फैब्रिक या उसकी डिज़ाइनिंग, तो आप ज़रूर इस तरह का जो है ड्रेस लेंगे। ये देखेंगे भी कितना खूबसूरत सा कलर है, ना ज़्यादा डार्क है और ना ही लाइट है, लेकिन पर्पल शेड है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये जैकेट स्टाइल में। तो ये तमाम आइडियाज़ आप अगर ईद पे भी पहनेंगे अपने लॉन के ड्रेसेस पे, ये तमाम डिज़ाइनिंग करेंगे और इस तरह के शरारा या गरारा कैप्री चूड़ीदार पजामा बनवाएंगे, तो वो आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और सिंपल से ड्रेसेस में और कैजुअल ड्रेसेस में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगी और पुरकशिश से दिखाई देगी। देखें ब्लैक ड्रेस पे भी जस्ट जो गोल्डन कलर है उसकी लेसेस लगा के, डोरी लगा के तो डिज़ाइन किया गया है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप भी इस तरह कलर से रिलेटेड भी हेल्प ले सकते हैं, स्लीव की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, नेक की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, और टसल्स भी आजकल बहुत इन है जो कि थ्रेड के टसल्स हैं, तो आप ज़रूर इनसे हेल्प लीजिएगा और ये तमाम आइडियाज़ आप ज़रूर अपने डिज़ाइनिंग में अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अगर आपको ये तमाम वीडियो और ये ड्रेसेस पसंद आएँ और आपके लिए आपके लिए हेल्प करें आपके ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग के लिए, ईद के ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के लिए, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये तमाम कलर्स और इनके कलर कंट्रास्ट, चाहे वो कलर कंट्रास्ट दुपट्टे का हो या ट्राउज़र का, तो आपने ज़रूर इस तरह के ड्रेसेस ख़रीदने हैं और बनवाने हैं। और पसंद आए तो लाइक करना है, इसको शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। मज़ीद आप जो भी देखना चाहें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ईद के लिए आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, किस तरह के ड्रेसेस में मैं आपके लिए लेकर आऊँ और किस तरह की डिज़ाइनिंग आप देखना चाहते हैं, तो काइंडली आप मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखा करें और इसे लाइक भी किया करें, और इस तरह के ड्रेसेस ज़रूर अपने लिए स्टिच करवाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा ड्रेस ख़रीदा और कौन सा ड्रेस और उसकी डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग, उसके कलर कंट्रास्ट, कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।